चार रो है जो बीजेपी के सांसद उखाड़ के फेंक देंगे जो किसानों को पैदा हुई है कि सरकार तुम सोच रही हो वोट हमने देंगे। अगर उसकी बुक्कुल उतारने की बात योगी जी करते तो मैं नहीं समझता कोई योगी जी होंगे, योगी जी नहीं है वो। यहाँ रोक लेती योगी सरकार, अब रोक ले दिल्ली है। अब बुलंदशहर से ना आए हम, संभल के आयु। अरे ऐसे योगी जी और जो मोदी जी और फिल्मों पे थे बकवास उतर जावेगी मेरे दिमाग में थे खामो खा। बिल्कुल कमजोर नहीं है हिम्मत, बहुत मजबूती से खड़े हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा। कैसे झुकना पड़ेगा, 8 महीने में तो झुकी नहीं। 16 में झुकेगी, 24 में झुकेगी, झुकेगी तो सही, झुकना पड़ेगा एक दिन। जैसे लाए ऐसे उखाड़ देंगे, जैसे लाए ऐसे उखाड़। सरकार को जैसे हम लाए, हम ही तो लाए, बाहर का थोड़ी लाया कोई। सब भाई लेके आए, ऐसा है। सुनो जो बीजेपी के का कहनो चाह रहे हो, जो बीजेपी के सांसद उखाड़ के फेंक देंगे जो किसानों को पैदा हुई है कि सरकार तुम सोच रही हो वोट हमने देंगे जब अब ऐसे देंगे। बिल्कुल वो तो कह रहे वोट तो हमें देंगे। कौन मैं? बीजेपी वाले जो पीछे थोड़ा हाँ यहाँ पे जिला पंचायत नहीं बनोगे भोला जो सांसद जो है मेरे यहाँ को बोहिच को मेरे गांव में खगुड़ा बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील है मेरी। जिला पंचायत सदस्य न बनो और गांव को प्रधान न बनो, अब वोट दही जब सांसद बनो। हम किसान हैं, किसान जिला पंचायत हम किसान हैं, हमारे झोटा पा रहे हैं कटरा। जब हम वहाँ हिला में तो बुग्गी में इतनी बड़ी आड़ रह और वहाँ सुधार का बुग्गी में चला में तो ये तो सरकार है क्यों सुधरेगी? किसान हर चीजें सुधारे या ना सुधारे, सरकार को सुधरना पड़ेगा। हम तो बीजेपी को बता रहे हैं लफंगा और मगो, वाके हमारे बताने थे सुन ली। हम बीजेपी को भी तो बता रहे हैं लफंगा है, ये है, वो है। हम तो बीजेपी बता रहे हैं, हम तो विश्वास कर रहे हैं बीजेपी में। साहब ने कहे कि हम लखनऊ की तरह दिल्ली बनाएंगे। हाँ टिके साहब का आदेश हो तो जिला बुलंदशहर ही नखलू को घेलेगा। जिला बुलंदशहर टिके साहब का आदेश है जाए तो किसी की जरूरत नहीं है, बुलंदशहर ही नखलू के अकेला काफी है। वो तो कह रहे संभल का ही है यहाँ पर। कौन? लखनऊ तो। हाँ उनका है, उनका बाप का है नखलू विधानसभा, उनके बाप का है। हमने तो भेजे विधानसभा, वो लोग हमने तो भेजे। बाबा बैठे, कौन बाबा बैठे है? बाबा किसने बैठा रहे? बाबा बैठा रहे किसने? बाबा हमने ना बैठा रहे, अब हम उतारेंगे बाबा को। बाबा को भीख हमने ही तो दई, अब ना दे में। ये कह रहे हैं बक्कल उतार देंगे, संपत्ति जब्त कर लेंगे। योगी बाबा हैं ये दिल्ली में तो बैठ गए यहाँ पे लखनऊ में योगी बाबा हैं। संपत्ति कर लेंगे तो करके देखें, उनके बाप की संपत्ति करके तो देख लें। योगी हमारे परिवार में पैदा हुआ है कहीं यार। योगी जी हमने तो नखलऊ भेजे विधानसभा में, योगी जी किसने भेजे थे? योगी जी हमने भेजे थे विधानसभा में और हम ही भेजेंगे। जानते हैं इसमें कितना दम, जब हमने बैठा रहे तो उतारने भी हम ही जाना है योगी जी को। योगी जी कौन बैठा रहे, हमने तो बैठा रहे उतारेंगे। किसान यूनियन ऐसा है जी, योगी जी हैं बाबा जी गोरखपुर के उद्गव साले के, उन्होंने ना खेती करी ना उनके बाप दादा ने करी, वो एक सरमायादार पार्टी से मिल गए। बाबा जी ने बाबा जी की धुने गोरखनाथ के चेले हैं। जब चिकनी बिजली बैठते ही बढ़ा दी, हमें 6 घंटे पानी की जरूरत है, 18 घंटे दे रहे थे, हमें 6 घंटे की जरूरत है। टिकना बिल बढ़ा दिया हमारी, टिकना बढ़ा गया यूपी में। जब जब सुबह तो लड़ाई जब सुबह 600 रुपए महीना तो 1800 रुपए पहुँच रही। अब मीटर ऐसा मरता सब कुछ करता, हो सके 50% इन कालियों में आकर जो देहात से पब्लिक बढ़ गई हो और वो वोट मरता सब कुछ करता। हमने तो बुलंदशहर से यही देखी है सब, जब जमीन इन बिल्डिंगों में घिर गई, रोडों में घिर गई। पहले सरकार ने पानी बंद कर दो, अब करते पानी बंद, अब जल लेकर पानी तो छोड़ो, उनका जल ला रहे हैं की बात करो। जैसे मैसेज सरकार ने पहले पानी की कील गाड़ दी, अब तो जल ला रहे हैं। ये वो सरकार है जो चलो कहती थी पहले। हाँ
चाचा एक मिनट इधर को चाचा मंदिर बना दिया। अरे तसल निकल लो, एक एक करके बोलो। मकसद ये है सर, जैसे सावन के महीना में कांवड़ चलती है ना, हरिद्वार से गंगा जी से पावन अमृत गंगा जल लेके चलते हैं और गांव के शिवालय पे यहाँ कहीं प्राचीन काल शिवालय है वहाँ चढ़ाते हैं। इस बार किसानों का जो शिवालय है, किसानों का जो तीर्थ है वो गाजीपुर बोर्डर है। अगर ये तीनों कार्य कानून निरस्त हो गए तो किसानों को जान मिल जाएगी, किसान बर्बाद नहीं होगा, किसान की जमीन नहीं बिकेगी, किसान की जमीन कुड़कनी होगी। तो इस बार शिवालय जो है किसान का ये गाजीपुर बॉर्डर है। तो जिला बुलंदशहर से अनूपशहर से पावन गंगा जी का ये अमृत है, गंगा जल है, और जो बोलेगा मिट्टी लेकर आए वहाँ की हम। और लगता है सरकार सर इससे मानेगी आपके? देखो सरकार चुनी हुई है, पाँच साल के लिए जनता ही चुनती है और पाँच साल में एक दिन डेली घटता है। ठीक, इससे पहले 700 साल मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस चली गई। ऐसा नहीं है कि ये देश के राजा ये जाएंगे नहीं, ये भी चले जाएंगे। भाई जनता को त्रस्त करेंगे तो जनता आगे ना नहीं चुनेगी? आप ही बताओ या गलत कह रहे हैं सर? लखनऊ वाले बयान को कैसे देखते हैं? लखनऊ वाला बयान ऐसा है, योगी जी ये हड़बड़ाहट, योगी जी हड़बड़ाहट में बयान दे रहे हैं। अभी अभी हमारे कुछ टाइम पहले जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजेश चौहान जी, वो काफी काफिला लेकर लखनऊ गए थे। मीडिया वालों भैया बंद करो, और अगर और चलना है बंद कर दो, जनता का चुनाव चुन लेगी यदि उनको ये सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं, उनको ये सोचना चाहिए। किसान है, देश का अन्नदाता है, भगवान है, पूरे देश का, पूरे भारत का भगवान है किसान। अगर उसकी बक्कल उतारने की बात योगी जी करते तो मैं नहीं समझता कोई योगी जी होंगे। योगी जी नहीं है वो। अच्छा किसान को तो जब लखनऊ जाना है वो चले जाएंगे, किसी पे ना रोके, किसी पे कोई कोई किसी पे ना रोकेंगे। पाबंदी है, अब पाबंदी हुई है, जब यहाँ आए का अब पाबंदी है का? अरे जा दिन लखनऊ जाना होगा वहां दिन पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ रोक लेती योगी सरकार, अब रोक ले दिल्ली है, अब बुलंदशहर से ना आए हम। अरे ऐसे योगी जी और जो मोदी जी और फिल्मों पे थे, बकवास उतर जावेगी मेरे दिमाग में थे खामो खां बस। कौन योगी जी? ऐसो है दिमाग ते लिकार दिए वो कूड़े है जो घुसो है का है, सिर पे बार भी ना रहेंगे बाल है ना, बाल है ना। और तभी यो भी सोचे ये लंगोटी और के पजामा के बचा दो। कुबेकरो का है तू ना समझ रहा सगरी प्याज की चीजन ने और उन्हें जो सीधे गए बनूंगा तो प्राइम मिनिस्टर, अदरवाइज मैं एमपी ठीक हूँ। जिस दिन ये जनता इन नेताओं के माला डालना बंद कर देगी, ये किसान माला डालना बंद कर देगा, उस दिन जनता को कोई कुत्ता पूछने वाला नहीं है नेताओं को कोई। ये जिस दिन किसान माला डालना बंद कर देगा उस दिन कोई जरूरत नहीं है इन नेताओं की। भाई कोई कमीशन खा रहा है, कोई अपना व्यापार कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, और ना कर रहा है तो कोई ना कोई चेला कर रहा है। तो जिस दिन ये जनता किसान इन नेताओं को माला डालना बंद कर दे, इन्हें सुनो से कोई पूछने वाला मिलेगा नहीं। जी कब कहाँ देखा आपने? सपना देखा। योगी जी तो बता रहे होर्डिंग में लिखी सपना ना, होर्डिंग में लिखी है तो आप अनास का देख लीजिए, बुलंदशहर से और गाजियाबाद तक देख लीजिए, दिल्ली तक देख लीजिए, कहाँ है स्मार्ट सिटी और कहाँ है वो तुम्हारे सबका विकास और सबका ना। इतना तो जरूर हुआ है कि चोर और चक्कों, क्योंकि हर एक की राजनीति में एक दुश्मनी है, अब राजनीति नहीं है एक दुश्मनी है बस, कि भाई इसने चोरी करी तो हम पकड़ेंगे और जब सत्ता हमारी आ गई तो फिर ये पकड़ेंगे, अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या लगता है 2022 में परिवर्तन होने वाला है क्या? दे नो डाउट, नो डाउट।